हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और 10th क्लास की एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर 5.3 चल रही है। इसके क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज देखते हैं न्यू क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर है वही हमारे पास 16। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पर बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को करने से पहले जितने भी क्या प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही क्वेश्चन आपको क्या समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना ही होगा। ठीक है, तो देखते रहिए आप। तो भाई वह ए पी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो क्वेश्चन में भी दिया है कि ए पी का जो है ना तीसरा पद, अगर आप सही से स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा ना। ए पी याद करनी है। ठीक है भाई, अब ए पी याद करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? ए की और डी की है ना। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंट चाहिए मिट्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई हमें निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन की मान लीजिए। आप तीसरा पद कितना है 16, तो लेकिन यहाँ पे एक थ्री स्क्वायर टू कितना है भाई 16। ठीक है भाई, और सातवां पद क्या, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ना। क्या है सातवां पद, क्या भाई सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां पद अधिक है पांचवें पद से कितना 12। ठीक है, तो जो पद अधिक होता है ना उसमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं। कौन से पद को माइनस करना है भाई, पांचवें पद से। ठीक है, पांचवें पद से तो ज्यादा नहीं 12, पांचवें पद से कितना देंगे 12। तो जो बड़ा है ठीक है उसमें से क्या करो छोटे को माइनस कर दो, इक्वल टू कितना होगा भाई 12। अब आपको बताएं कि a 3 बराबर कितना आता है, a प्लस 2d बराबर कितना 16। ये क्या होगी हमारे पास इक्वेशन, मैंने बता रखा है आपको है ना कि कितना a 3 है। तो क्या कर दो, a कम करके d के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो है ना, और क्या कर दो ऐड। बाकी जो फॉर्मूला आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बताया था कितना है कि an बराबर कितना आता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब ये क्या चाहिए a 3 है ना, तो n की जगह क्या कर दो आप 3 पुट कर दो। तो देखो a प्लस 3 माइनस 1 इनटू d, तो a 3 बराबर कितना आ गया a प्लस 2d। ए फ्रेंड, तो इसलिए कर लेते हैं ना, ये 3 यहां से आ गया तो a का मतलब ये हो गया ये आ गया। अब ये देख पाए हैं ये कितना है भाई a7 माइनस a5 इसका टू कितना 12। तो भाई अगर मैं a7 की वैल्यू की बात करूं, किसी बात करूं मैं a7 की, तो a7 को क्या लिखेंगे a प्लस कितना होगा भाई 6d है ना। a कम करके लिख दिया, बीच में माइनस माइनस, 5 को क्या लिखेंगे a प्लस कितना 4d कितना स्टूडेंट a प्लस 4d बराबर कितना 12। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमें, देखो ये तुम्हारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अभी ना थोड़ा सा क्या करना, सॉल्व कर लो। क्या करना, सॉल्व कर लो कितना होगा a प्लस 6d इट इज माइनस, बार माइनस को साइन कर दो चेंज, a प्लस है तो माइनस और a प्लस है तो ये भी माइनस, इज इक्वल टू कितना 12। ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, इससे क्या करो कैंसिल आउट कर देना, 6d 4d माइनस करो कितना होगा भाई 2d इक्वेशन होगा। ठीक है, वैसे तो आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे अब देखो, ए बी तो तभी फाइंड करेंगे ना जब हमारे पास क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट टर्म निकाली तो ए इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी होगी 4। अब हमें चाहिए ए टू, कितना चाहिए भाई ए टू, तो ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी, ए थ्री बराबर ए प्लस 2d, a 4 बराबर a प्लस 3d। अभी क्या वैल्यू पुट कर दो है,
अब ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 6 तो कितना 10। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है ना, ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू कितनी है 6 तो 2 * 6 कितना हो गया भाई 12, 12 * 4 16। ठीक है, फोर्थ मास रूल के अकॉर्डिंग करिए आप कैसे जोड़ दो मल्टीप्लाई करो है ना, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करके है ना, तो ए 8 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 डी डी की वैल्यू 6 18 18 4 22। तो ये भी पता लगा देखो हमारे के पीछे कितना का डिफरेंस है 4 है फिर कितना आ गया 10 6 का डिफरेंस फिर 16 आ गया फिर 6 का डिफरेंस ठीक है फिर 16 के बाद 22 फिर कितना फिर डिफरेंस आ गया कितना 6 का। तो इसका मतलब क्या हुआ ए बी और बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हैं है ना, लेकिन कहता है अभिष्ट एपी क्या भाई अभिष्ट एपी मतलब जो एपी में फाइंड कर लीजिए उन्हें निकाल लिए क्या करेंगे 4 कॉमा 10 कॉमा 16 कॉमा 22 डेड 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 ठीक है दैट इज आंसर। ठीक है तो मैं यही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर करना लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो हमारे आपको कैसी लगी। ठीक है तो थैंक्स फॉर